Hey guys, welcome to my channel. So, हम लोग बैठे बैठे बहुत बोर हो गए थे तो हमने सोचा कहाँ जाएं, तो फिर हमने डिसाइड किया हम जाते हैं फिश वैली से मिलने, जो केएल में ही है. सो बिकॉज़ हम केएल में रहते हैं, कुआलालंपुर में. सो बहुत पास है. कितनी पास है ये, कितना दूर है यहाँ से? 1 घंटा दूर है. 1 घंटा दूर है, ठीक है. आई होप ट्रैफिक कम हो. सो गाइज चलते हैं. गाइज आप लोग देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है ये एरिया और कितना ग्रीन है. मलेशिया वैसे ही बहुत ग्रीन है, मतलब आप जहाँ भी जाओगे ना इतना क्लीन है, ग्रीन है. ऑफ कोर्स इंडिया तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, पर मलेशिया भी बहुत ब्यूटीफुल है. तो देखो दोस्तों, ऐसा है कि ऐसा कहते हैं ना, मौका भी है और दस्तूर भी है. तो वो है, आज मौका है, वीकेंड है, और दस्तूर इसलिए है कि मौसम इतना अच्छा है तो जाना बनता है फैमिली के साथ ऐसी जगह पे आज. हाँ, हम लोग डर ही रहे थे अगर बारिश हो जाती तो क्या होता. यहाँ तो रोज बारिश होती है, लकीली आज बारिश नहीं हुई. कितना टाइम लगेगा पहुँचने में? बस अब पहुँचने ही वाले हैं, काफी पास हैं. जैसे जैसे हम जितना पास होंगे उतना और ग्रीन होता जाएगा, देखना रास्ता. अच्छा, तो ये हिली एरिया है क्या थोड़ा सा? हाँ, छोटे मोटे पहाड़ हैं आसपास, छोटी सी टाउनशिप है, रो हाउसेस मिलेंगे, लोगों ने छोटे छोटे प्लॉट्स ले रखे. सो गाइस अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, थोड़ी सी देरी और है. हम लोग बस अपना रैप अप करते हैं. कार में हम लोग बहुत चीज़ें लाए हुए थे, फैला हुआ है. पहुंच गए हम लोग. ये देखिए छोटी सी एक लेक है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी, और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था रास्ते में, तो आई थिंक 45 मिनट्स लगेंगे हमें आते हुए. और ये है एक लेमन ट्री, इतना ब्यूटीफुल सा आते ही हमें दिख गया है. तो यहाँ हमने अपनी कार पार्क कर दी है और बस मैं वॉक कर रही हूँ यहाँ पर. और मास्क हम लोगों को पहनना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ चॉइस है आपकी, पहनना है पहने, नहीं पहनना ना पहने, मर्जी है. तो ये ब्यूटीफुल सा है एरिया बहुत ज़्यादा. और ये फिश ब्रीडिंग हो रही है आई थिंक यहाँ पर. हाँ ये हो रहा है, कुछ तो है. और देखो कितना ग्रीन है, कितने अच्छे से पार्क की हुई है लोगों ने कार्स साइड में ताकि वॉक करने का एरिया वो ना हो. और ये है टर्टल ब्रीडिंग का एरिया जहाँ पे वो टर्टल ब्रीड कर रहे हैं, छोटी छोटी बेबी टर्टल्स हैं यहाँ पर. और ये है लेमन ट्री है फिर से आगे एक और. बस यहाँ हमने पार्क कर दी अपनी कार और सोच रहे हैं अब थोड़ा सा वॉक करके आते हैं, यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और फिर देखेंगे, लंच करेंगे. ये है फिशिंग का एरिया और टर्टल्स हैं यहाँ छोटी छोटी सी. जिन लोगों को फिशिंग करना पसंद है उनके लिए तो ये बहुत अच्छी जगह है क्योंकि वो प्रोवाइड करते हैं फिशिंग रॉड्स एंड ऑल. सो आप लोग फिश यहीं पे कैच करके उनसे कह सकते हो कुक करने को, और यहाँ केबिन रेंट पे ले सकते हो जहाँ पे आप ओवरनाइट अगर आपको कैंपिंग करनी हो वो भी करने को मिल सकते हैं यहाँ पे. देखो यहाँ पे एंगलिंग और फिश ये हो रहा है फिशिंग. यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के पिकनिक किया था, बस काफ़ी रिलैक्सिंग जगह है और डीप है काफ़ी. अब काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ आए हुए, तो भूख भी लग रही थी सब लोगों को,
तो हमने सोचा चलो अब जल्दी से एरिया देख के, फिर गिरी टर्टल्स, छोटी छोटी सी बेबी टर्टल्स हैं, क्यूट लग रही है। ये यहाँ पे टर्टल ब्रीड करते हैं। चल अब कितना देखेंगे यार इन्हें, आगे बढ़ते हैं। हाँ मुझे भी बहुत ज़ोर की भूख लग रही है और काफ़ी गर्मी हो रही है, अब चलते हैं रेस्टोरेंट में देखते हैं, आई होप कुछ वेजिटेरियन मिल जाए वहाँ पे। अब तो चलेंगे यार, पर देख सीन कितना अच्छा है, बादलों की रिफ्लेक्शन हाँ। पड़ रही है लेक पे, पिक्चर परफेक्ट ना, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट जगह है, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट है। रिफ्लेक्शन देखो कितनी सुंदर लग रही है, सारी टेंशन हट जाए अगर कोई एक दिन आ जाए ना यहाँ पर। हाँ बहुत ब्यूटीफुल है दोस्तों, आप सबको अपने घर के आसपास ऐसी नेचुरल जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पर आप जाके एक बार रिचार्ज कर पाओ, कभी भी जाकर वहाँ जाके मेडिटेट करो या थोड़ी देर के लिए भी बैठ जाओ ना, क्वाइट होके बिल्कुल कुछ बात ना करो, बहुत ही अच्छा लगेगा। और मेंटल हेल्थ का तो हम लोगों को ध्यान रखना ही चाहिए। तो अभी मेरे बेटे ने बताया कि ये टिड्डा है, ये ग्रास हॉपर है या टिड्डा है, पर वो बोल रही है दिस इज़ अ ग्रास हॉपर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रैगन फ्लाई है, पता नहीं आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताएं। कितना ब्रीजी और रिफ्रेशिंग है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी सी हवा आ रही है, यूजली तो यहाँ बहुत गर्मी होती है। ये देखिए गाइस यहाँ पे फिशिंग का एरिया बना हुआ है, और बेस्ट थिंग इज़ कि ये लोग सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, अगर आप थक गए हो तो वहाँ पे चेयर्स भी हैं, वहाँ बैठ जाओ, फिशिंग रॉड्स वगैरह सब। चलो अब चलते हैं रेस्टोरेंट, बहुत जोर की भूख लगी हुई है, एंड मुझे तो कोकोनट वाटर भी पीना है। हाँ कोकोनट जरूर पीना, और मुझे यहाँ की टॉडी पीनी है, यहाँ पे टॉडी बहुत अच्छी मिलती है, वो पाम प्लांटेशन से टैप करके निकालते हैं, हम लोग इंडिया में से ताड़ी कहते हैं, ये लोग टॉडी कहते हैं यहाँ पर। आई होप यहाँ पे वेजिटेरियन मिल जाए, चलो लेट्स चेक आउट। हाँ आई एम श्योर कुछ ना कुछ वेजिटेरियन यहाँ हमेशा मिलता है, टोफू या वेजिटेबल्स। और यहाँ पे ये लोग सेल कर रहे हैं अपना जिंजर, जो बेंटोंग जिंजर होता है, जो यहाँ के ना गांव में से आता है, विलेजेस में से, और ये इनका सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है, और ये मेन्यू है यहाँ पे मोस्टली नॉन वेजिटेरियन, हमने ऑर्डर किया था ये मेरे बेटे के लिए और इनके लिए, और मेरा है मशरूम और फ्राइड राइस, तो वैसे मिल जाता है वेजिटेरियन फ्राइड राइस, मैं वेजिटेरियन हूँ, और टोफू है। ओके गाइस सो हम लोगों ने बहुत मज़ा किया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, थैंक यू।